हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्पेस फॉर लाइफ। आज हम कोलकाता घूमेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं। सबसे पहले हम मेट्रो में चढ़कर दक्षिणेश्वर पहुँच जाएंगे। दक्षिणेश्वर पहुँच कर हम यहाँ पूजा पाठ कर आसपास के जगह में घूम लेते हैं, क्योंकि मेन मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए हम मेन मंदिर के बाहर ही वीडियो बना रहे हैं। यहाँ मंदिर के पीछे तरफ महापुरुषों की स्टैचू स्थापित की गई है। यहाँ पर 10 छोटे छोटे मंदिर है शिव भगवान के। मंदिर के अंदर तरफ काली माता के मंदिर के सामने ही शिव भगवान की 10 छोटे मंदिर हैं, और काली माता के मंदिर के बगल में ही राधा कृष्ण की मंदिर भी है। मंदिर के पीछे साइड एक नदी है, जहां श्रद्धालु नहा धोकर यहां पूजा पाठ कर सकते हैं। यहां एक ब्रिज भी दिखाई दे रही है, देखिए। और यहां जो सामने में है वो यहां पे लॉन्च लगता है, क्योंकि मंदिर के पीछे जो नदी है उस नदी के पार ही बेलूर मठ है। यहां पर रानी रासमुनि की स्टैचू भी स्थापित की गई है, देखिए। यहाँ शनिवार मंगलवार कर बहुत ही भीड़ होता है। मेन मंदिर में प्रवेश करने से पहले सामान, फ़ोन, जूता को अलग काउंटर में रखा जाता है। जो आप सामने देख रहे हैं यही है मेन मंदिर काली माता का। अब हम लोग यहाँ से निकल कर बेलूर मठ की तरफ जाएंगे। आपको जो मंदिर के पीछे तरफ जो ब्रिज दिखाया है, उस ब्रिज के इस साइड और एक छोटा सा ब्रिज है, इसमें चलकर हम आगे जाएंगे। यहाँ पर लॉन्च आएगा, लॉन्च के सहारे हम लोग नदी के उस पार जाएंगे। ये है बेलूर मठ। यहाँ आसपास बहुत ही बड़ा जगह है, यहाँ पे आप घूम घाम सकते हैं। इसके अंदर एक बड़ा सा हॉल है। हॉल के एक साइड रामकृष्ण परमहंस की एक मूर्ति है, और मूर्ति के सामने तरफ एक हॉल जैसा बना हुआ है, जहां सब बैठकर ध्यान लगाते हैं। वहां मुझे ये पेड़ बहुत ही अच्छा लगा, इसका फूल देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस गेट के उस तरफ जाके आप दान दक्षिणा दे सकते हैं, कूपन काट कर खाने का लाभ उठा सकते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर खाने का आयोजन किया गया है। हम लोग जब यहाँ गए थे तो हम लोग को खाने में मिला था खिचड़ी, सब्जी, पायस, चटनी। अब हम लोग लंच करने के बाद चल जाते हैं निको पार्क की ओर। A few moments later. थोड़ी देर निको पार्क घूमकर हम लोग निकल जाएंगे। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड। बाय।